मेरे पास सारे चीज का इंतजाम है, सिलेंडर है, चूड़ियां हैं, चूल्हा है, सब चीज का इंतजाम है। बस आप स्मृति ईरानी जी मुझे बता दीजिए कि कौन सी सड़क पर कितने बजे और किस समय आप मुझे मिल जाएंगे मेरा साथ देने के लिए कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ सकें। याद है 2014, याद है कि नहीं याद है? 400-450 रुपए सिलेंडर हुआ था। आप यू सड़कों पर उतर आई थी कि आइए महंगाई खत्म कीजिए, और आज आप ही के रास्ते पे मैं चल रही हूँ, आप ही के रास्ते पे मैं चल रही हूँ। और आज मैं जब 1200 रुपए सिलेंडर होने को आ रहा है, तब मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आइए आप सड़क पर, हम दोनों मिलकर इस महंगाई जायंट से लड़ेंगे, इस महंगाई जायंट को खत्म करेंगे। याद है कि नहीं याद है? चूड़ियों का भी इंतजाम मैं करके आई हूँ। आप वही हैं स्मृति ईरानी जी, आप वही हैं जब आपको लगा था कि महंगाई आम जनता के लिए ज्यादा हो गई है। 400 रुपए का सिलेंडर, याद कीजिएगा, 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, तो आपको लगता था कि आपके देश की जनता किस तरीके से सिलेंडर भराएगी, किस तरीके से रोटियां पकाएगी। आप वही हैं। तो आपने क्या किया था? चूड़ियां भिजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? ये चूड़ियां मैं लेकर आई हूँ, शायद आपके पास चूड़ियां ना हो, शायद आपके पास चूड़ियों की कमी हो गई हो, मैं चूड़ियां लेकर आई हूँ। बताइए किस मंत्री को भिजवाना है, किस पते पर भिजवाना है, किस जगह भिजवाना है, आप मुझे बस बता दीजिए। मैं खर्चा उठाऊंगी, मैं सारे खर्चे उठाऊंगी, मैं ही भिजवाऊंगी, मैं भिजवाने का भी इंतजाम कर दूंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आएंगे आप सड़कों पर? आप तो सड़कों पर उतर आई थी उस वक्त चूड़ियां लेकर, सिलेंडर लेकर, याद है कि नहीं याद है आपको अपना समय? आपने तो बड़ी तेजी से बोल दिया था कि केंद्र में बैठी सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है। आपने तो बड़े अच्छे से कह दिया था कि केंद्र में बैठी सरकारें आप आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है। ये कैसी सरकार है कि 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया। मैं पूछती हूँ कि आपके नेतृत्व वाली कैसी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैसी सरकार है कि भाई आज 1200 रुपए सिलेंडर हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि मेरी वजह से 80 करोड़ जनता खाना खाती है, हमारी सरकार 80 करोड़ जनता को रोटी मुहैया कराती है, हमारी सरकार अनाज बांटने का काम करती है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपकी सरकार 80 करोड़ जनता को अनाज मुहैया कराती है, तो पकाएगी किस पे, किस पर पकाएगी? सिलेंडर पर 1200 हो गए हैं, याद नहीं है आपको? महंगाई इतनी बढ़ा दी, 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिए, 350 रुपए कमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? 1100 में आपको संतुष्टि नहीं थी संतुष्टि, तो बता दीजिए। ये भी आज मैं खरीद के ले आई हूं, मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया, देख लीजिए, छत पे बैठी हुई हूं, सिलेंडर लाई हूं कि कोई खरीद ले। कोई खरीदना चाहता है तो बता दीजिएगा, मैं बेचने को तैयार हूं। बड़ा वाला सिलेंडर नहीं है हमारे पास, गरीब आदमी है, छोटा सिलेंडर लेकर बैठी हूं, जिसको खरीदना है खरीद सकता है। मैंने तो अपना चूल्हे का इंतजाम कर लिया, देखिए ये भी खरीद के लाई हूं, देख लीजिए। और आज से मैं इस पर खाना बनाऊंगी, ये भी खरीद के लाई हूं, ये भी 20 रुपए का हो चुका है, कुछ सस्ता नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी मंत्री बार बार 2014 में कहा करती थी कि केंद्र में बैठी दिल्ली सरकार नहीं समझ पा रही है महंगाई को। आम जनता कितनी बेबस है आपको पता भी है? आम जनता खाना किस पर बनाएगी आपको पता है? आम जनता के हक में क्या 1200 रुपए का सिलेंडर है? क्या आप जिसको राशन दिया करते हैं, आप जिसको राशन दिया करते हैं, क्या वो 1200 रुपए सिलेंडर खरीद पाएगा? सोचा आपने? नहीं सोचा होगा, तभी तो 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, स्मृति ईरानी जी मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? मैं महंगाई के खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ, आप लोग साथ देंगे तो इस महंगाई जायंट को हम इस तरीके से खत्म कर देंगे कि जैसे लगेगा कभी था ही नहीं। कर लीजिए, मेरा साथ दीजिए। बोलिए तो पता बता दूं, नंबर बता देती हूं। नहीं, आपके एक मैसेज का इंतजार, आपके एक संदेश का इंतजार, मैं सड़कों पर उतरने को तैयार हूं। है कोई साथ देने के लिए मेरे महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए? अगर हो तैयार तो आइए, हम देश की जनता के लिए लड़ेंगे। मैं रिपोर्टर हूं,
और आप मंत्री हैं, क्या साथ जमेगा, क्या जोड़ी जमेगी? हम दोनों जब मिलकर महंगाई के खिलाफ बोलेंगे। है हिम्मत, है संदेशा, तो भिजवा दीजिए, एक संदेशा भिजवा दीजिए, मैं बैठी हूँ तैयार, चूड़ी चूल्हा चूल्हे और सब कुछ इंतजाम करके बैठी हुई हूँ, बस आपकी हामी भरने की देरी है।